नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 जिलों में सीएम योगी करेंगे जनसभा। मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर और वाराणसी गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 11 बजे रामलीला मैदान मुरादाबाद में जनसभा आयोजित होगी। इसके बाद लगभग 1:30 बजे GIC प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 2:30 बजे BRP कॉलेज जौनपुर में जनसभा करेंगे। इसके अलावा 4 बजे मिनी स्टेडियम वाराणसी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आज 5 जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में जहां पुरजोर कोशिश में BJP पार्टी जुटी हुई है, और ऐसे में आज 5 जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आज 5 जिलों में सीएम योगी की जनसभा होगी। वाराणसी, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मुरादाबाद, प्रतापगढ़ और जौनपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज 5 जिलों में प्रत्याशियों के नाम पर वोट भी मांगेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जिलों में जनसभा करेंगे। तो वाराणसी, गोरखपुर, प्रतापगढ़, मुरादाबाद और जौनपुर में आज जनसभा आयोजित की जाएगी। 5 जिलों में आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं जहां 4 तारीख को पहले चरण के चुनाव होने, और ऐसे में तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, तो BJP भी पुरजोर कोशिश से प्रचार प्रसार कर रही है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए प्रतापगढ़ से। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, किस तरह की तैयारियां की गई और किस वक्त सीएम वहां पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, जानकारी आपको कहाँ जाएंगे तो प्रतापगढ़ में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का जो है आगमन है। यहाँ 1:20 पर जो है प्रतापगढ़ तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ आज 5 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रतापगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर और वाराणसी में जनसभा आयोजित की जाएगी। तो जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और निकाय चुनाव में BJP प्रत्याशियों के हक में वोट की अपील करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज वाराणसी, गोरखपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और मुरादाबाद में जनसभा आयोजित की जानी है। तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, आपसे कुछ ही देर में जनसभाओं का सिलसिला शुरू होगा। तो वहीं आपको बता दें कि प्रतापगढ़, वाराणसी, मुरादाबाद और गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो जहां तमाम पार्टियां भी प्रचार प्रसार में जुटी हुई, और ऐसे में BJP भी पुरजोर कोशिश में प्रचार प्रसार कर रही है। तो लगातार हमारे सहयोगी विकास गुप्ता हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ में जैसे सीएम आज योगी आदित्यनाथ का जो है आगमन है, यहाँ 1:20 पर प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। वही आपको बताना चाहेंगे की 1:20 पर जो है विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यही भाजपा के नगर पालिका प्रत्याशी हरिप्रताप सिंह के जनसभा को संबोधित करेंगे। वही आपको बताना चाहेंगे की भाजपा के सभासद हुआ नगर पंचायत के भी प्रत्याशियों के जो है उनको भी जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था के जो है यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ भारी पुलिस बल जो है मौजूद है जो है, और कार्यक्रम स्थल पर जो है भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, विकास, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि 1:30 बजे के तकरीबन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और जनसभा होगी, कौन कौन इस दौरान उनके साथ मंच पर मौजूद रहेंगे?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जहाँ पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आगमन है इनके इनके कार्यक्रम में जो है कैबिनेट मंत्री, कई कैबिनेट मंत्री और कई भाजपा के दिग्गज नेता भी जो है यहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आज 5 जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा आयोजित की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वाराणसी, गोरखपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और मुरादाबाद में आज जनसभा होनी, और ऐसे में जहां अब निकाय चुनाव के पहले चरण के जो चुनाव 4 मई को होने और ऐसे में अब कुछ ही दिन चुनाव में बाकी हैं, तो तमाम पार्टियां भी पुरजोर तरीके से जो है प्रचार प्रसार कर रही। तो वहीं बीजेपी भी जन जन तक पहुंचकर अपनी प्रचार कर रहे। वहीं लगातार हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। धर्मेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे, किस वक्त जनसभा आयोजित होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे? देखिए जागृति, वाराणसी में इसके पहले मुख्यमंत्री का दौरा हुआ वाराणसी में, तो उन्होंने वाराणसी निकाय चुनाव के लिए प्रबुद्धजनों के साथ संवाद स्थापित किया, और आज जो मुख्यमंत्री की जनसभा होनी है शिवपुर मिनी स्टेडियम में होगी। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शिवपुर मिनी स्टेडियम है वहां पे 2 मंच बनाए गए हैं मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए। एक मंच पे मुख्यमंत्री के साथ मंत्रीगण और विधायकगण होंगे, दूसरे मंच पे वाराणसी के 100 वार्ड के प्रत्याशी होंगे जो कि मुख्यमंत्री के संवाद को सुनेंगे, और वाराणसी में जो विकास डेवलपमेंट मॉडल के लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ जनता तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधि, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, तमाम लोग वाराणसी के क्षेत्र में जाकर गांव गली ओट और शहर की विकास, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उसी की आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवपुर में हुंकार भरेंगे। जागृति जी बिल्कुल, धर्मेंद्र आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तमाम पार्टियां जो है प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, बीजेपी की तरफ से भी आज जो है प्रत्याशियों के समर्थन में वोट के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, लेकिन लोगों में किस तरह का उत्साह आज देखने को मिल रहा है? देखिए जागृति, वाराणसी गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, और वाराणसी लगभग 20 साल से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, चूंकि शहरी क्षेत्र ज्यादा आते हैं, इस बार 20 ऐसे क्षेत्र जुड़े हैं जो ग्रामीण के क्षेत्र जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव काफी त्रिकोणीय माना जा रहा है, क्योंकि 3 पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो लोकल चेहरे हैं मेयर के, जातिगत समीकरण को देखते हुए 3 पार्टियों ने उतारा है, तो ये काफी टफ माना जा रहा है। लेकिन वाराणसी में जो विकास मॉडल की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की स्थिति जो है वो विकास के लेवल पे देखी जाती है, और काशी में कहीं न कहीं जो स्थिति रहती है, जिस तरीके से लगातार बीजेपी का वर्चस्व रहा है मेयर सीट पर, और इस बार देखने वाली बात होगी क्या अन्य पार्टियों के पाले में क्या गेंद जाती है या फिर बीजेपी के पाले में जाती है। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र ये भी जानना चाहेंगे जनसभा को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं, और खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए जागृति, सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से शिवपुर एरिया और मिनी स्टेडियम को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ब्रैकेट बना दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की आम जन को आने जाने में असुविधा न हो, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री के लिए विशेष गेट बना दिए गए हैं, सिविल पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा दी गई है ताकि जनसभा में किसी तरीके की भगदड़ और किसी तरीके की असुरक्षा न हो सके। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, लखनऊ में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव, इस वक्त की बड़ी खबर, आज लखनऊ मेट्रो में करेंगे चुनाव प्रचार। तो शाम 4 बजे भूतनाथ मेट्रो से प्रचार शुरू करेंगे और सरोजनी नगर मेट्रो पर प्रचार खत्म होगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। जहां निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, तो वहीं आज अखिलेश यादव भी मेट्रो में चुनाव प्रचार करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। जहां आज आपको बता दें कि शाम 4 बजे भूतनाथ मेट्रो से प्रचार शुरू होगा और सरोजनी नगर मेट्रो पे प्रचार प्रसार खत्म किया जाएगा। तो आज शाम 4 बजे से अखिलेश यादव मेट्रो में प्रचार शुरू करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो ये
बड़ी और अहम जानकारी, जहां निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी की आज तमाम जगहों पर रैलियां हैं, जनसभा आयोजित की गई है, तो वहीं अखिलेश यादव भी आज लखनऊ में मेट्रो में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि शाम 4 बजे भूतनाथ मेट्रो से प्रचार शुरू होगा और सरोजनी नगर मेट्रो पर प्रचार खत्म किया जाएगा। तो अपने तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे और इस दौरान निकाय चुनाव के जहां तारीखें अब करीब आती जा रही है और ऐसे में जहां पहले चरण के चुनाव 4 मई को होने, तो तमाम पार्टियां भी प्रचार प्रसार में पुरजोर कोशिशें लगाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अखिलेश यादव भी आज मेट्रो में प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। ये बड़ी खबर लखनऊ से। तो भूतनाथ मेट्रो से प्रचार शुरू होगा और शाम 4 बजे ये प्रचार प्रसार शुरू किया जाएगा, जिसके बाद सरोजनी नगर मेट्रो पर चुनाव प्रचार खत्म करेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अखिलेश यादव मेट्रो में चुनाव प्रचार करेंगे, यानी कि मेट्रो शो आज वो करने जा रहे हैं और ऐसे में प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील वो जनता से करेंगे। तो भूतनाथ मेट्रो से आज शाम 4 बजे प्रचार शुरू होगा और सरोजनी नगर मेट्रो पर प्रचार खत्म किया जाएगा। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां आज लखनऊ में अखिलेश यादव मेट्रो में चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं भूतनाथ मेट्रो से प्रचार शुरू होगा और सरोजनी नगर मेट्रो पर प्रचार खत्म किया जाएगा। आज शाम 4 बजे मेट्रो प्रचार शुरू करेंगे अखिलेश यादव। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज अखिलेश यादव मेट्रो में चुनाव प्रचार करेंगे, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, पहले चरण का चुनाव प्रचार अब 24 घंटे ही रह चुका है, क्योंकि 1 तारीख आज है, कल 2 तारीख को शाम 6 बजे के बाद जो पहले चरण का नगर निकाय का चुनाव होना है, इसको शो रूल खत्म हो जाएगा। तो आज अखिलेश यादव मुंशी पुलिया से मेट्रो स्टेशन पर चढ़ेंगे, वहां पर मीडिया से रूबरू होंगे और मेट्रो में प्रचार करेंगे। एक अनोखा प्रचार कहा जा सकता है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के बाद अखिलेश यादव पहली बार चुनावी मैदान में उतर हैं और लखनऊ से वंदना मिश्रा महापौर की प्रत्याशी हैं, उनको वोट मांगेंगे उनके पक्ष में और उनको जिताने की जनता से अपील करेंगे। लेकिन अब तक काफी नामांकन के बाद पहली बार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं और लखनऊ में वंदना मिश्रा को लेकर, महापौर को लेकर वोट मांगने जा रहे हैं और 4 बजे मुंशी पुलिया एयरपोर्ट वहां पहुंचेंगे मेट्रो स्टेशन पर, उसके बाद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे, वहां तक मेट्रो स्टेशन में तमाम लखनऊ वासी होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी वंदना मिश्रा, उनको भारी मतों से जिताने की अपील करेंगे। लेकिन विपक्ष के साथ साथ जो तमाम और राजनीतिक दल हैं वो अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं। ब्रजेश पाठक कह रहे थे कि ये कोई कुछ नहीं होने वाला है, वो चाहे प्रचार मेट्रो स्टेशन से करें या फिर किसी उससे करें, समाजवादी पार्टी जब चुनाव मतगणना होगी तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार 2014 से अब तक चुनाव होते आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी हार रही है, इस बार भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो ओम प्रकाश राजभर है, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अखिलेश यादव एसी रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। मुझे लगता है आज अखिलेश यादव जिस तरीके से प्रचार प्रसार को लेकर एक मेट्रो का संसाधन बनाया है, इसको लेकर के आप देखना है कि जनता कितना उनको पसंद करती है, क्या लखनऊ वासी हैं इस मेट्रो के माध्यम से चुनाव प्रचार करना या फिर उनके पास मत जाना, ये सब तमाम जो चीजें हैं कितना एक्सेप्ट करेगी, क्या उनके कहने पर कितना वोट जुटा पाएंगे। वंदना मिश्रा के लिए फिलहाल ये चाहने वाला चुनाव पड़ा भी तय करेगा, लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल हैं आज और कल 2 दिन के लिए तमाम जो रैलियां के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि पहले चरण के सिर्फ 24 घंटे से ही कम ही रह गए हैं, 24 घंटे के बाद ये शोरगुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और 4 तारीख को निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू होने वाला है।
जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज अखिलेश यादव मेट्रो में चुनाव प्रचार करेंगे और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, फतेहपुर रायबरेली दौरे पर ब्रजेश पाठक, इस वक्त ये बड़ी जानकारी। निकाय चुनाव को लेकर जनसभा आयोजित की गई है, वहीं चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फतेहपुर रायबरेली दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, तो निकाय चुनाव को लेकर जनसभा आयोजित की जाएगी, जहां पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो ये बड़ी खबर, फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। तो फतेहपुर और रायबरेली दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, निकाय चुनाव को लेकर जनसभा आयोजित की जाएगी, तो वहीं चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां फतेहपुर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हिंदू रक्षा सेना और भारत साधु समाज के संतों ने सभी राजनीतिक पार्टियों से हरिद्वार लोकसभा सीट पर किसी संत को टिकट दिए जाने की मांग उठाई है। तो साथ ही संतों ने किसी संत को टिकट ना दिए जाने पर निर्दलीय संत को चुनाव में उतारने की भी बात कही। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि हरिद्वार की आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए हरिद्वार से किसी संत को सांसद चुना जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संत समाज विचार के उपरांत किसी संत को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो, कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें, तो वो केवल साधु, क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है, और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। फिर संत समाज अपना एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतारेंगे, अभी समय है, इसीलिए हमने सभी पार्टियों को आग्रह किया है कि सभी पार्टियाँ, चाहे कोई भी दल हो, वो संसद को के रूप में संत को उतारे। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब संतों ने इस बार लोकसभा चुनाव में संत को ही सांसद के तौर पर उतारने की मांग की है, क्या जागृति? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में जो है जो राजनीतिक पार्टी लगातार जमीन स्तर से जो है पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। वहीं अगर हरिद्वार के संतों की बात करें तो संतों ने सीधे तौर पर साफ तौर पर मांग की है सभी राजनीतिक पार्टियों से कि वो जो है किसी संत को लोकसभा का टिकट दे। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी संत को टिकट नहीं देती है तो वो जो है निर्दलीय किसी संत को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और इसी के साथ ही अब जिस तरह से संतों की मांग है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से धर्म निगर द्वार में मांस और मदिरे का साफ तौर पे सेवन हो रहा है, उनकी बिक्री हो रही है, तो ऐसे में जो पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। उनका यह भी कहना कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका की परिधि से जो 5 किलोमीटर की दूरी पर गैर हिंदू वहां पर रह रहे हैं, उनको भी किसी प्रकार की रोक नहीं है। ऐसे में जो उन्होंने साफ तौर पे जो वर्तमान सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि सरकार इस तरह से किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करने से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जो राजनीतिक पार्टी भी सक्रिय है और साधु जो साधु संत है वो भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी साधु किसी संत को जो है टिकट नहीं देती तो ऐसे में वो भी जो है पूरी तरह से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जमीनी मैदान में उतर गए। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है, जागृति, इस पर जो है सभी जो पार्टियां राजनीतिक पार्टी वो भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। चाहे हम बात करें हरिद्वार निशंक जो प्रोग्राम है वो भी पूरी तरह से सक्रिय है, हरीश रावत की भी दावेदारी लोकसभा सीट हरिद्वार से हो रही है। वहीं हम बात करें तो खानपुर विधायक उमेश कुमार की जो पत्नी है वो भी बसपा से जो पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। तो ऐसे में जो सभी राजनीतिक पार्टी जमीन स्तर पर उतर चुके हैं, कहीं ना कहीं लोकसभा सीट की अब चुनाव की तैयारी भी मैं भी जुटी हुई है। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंच।
केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में कई स्थानों पर दान के लिए क्यूआर कोड के बोर्ड लगने का मामला सामने आया है। बीकेटीसी ने पुलिस को तहरीर दी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि दोनों धामों में कपाट खुलने के दिन ये बोर्ड लगाए गए थे। बीकेटीसी अधिकारियों ने पहले अपने स्तर से इस मामले की छानबीन की। इसके बाद रविवार को केदारनाथ मंदिर अधिकारी ने केदारनाथ पुलिस चौकी और बद्रीनाथ में प्रभारी अधिकारी की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई। अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने यह भी बताया कि बीकेटीसी की ओर से वर्तमान में अपने कामकाज में पेटीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्यूआर कोड का यहाँ पर जो है बोर्ड अब केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में लगाया गया, हालांकि इस पर अब कार्रवाई भी की जा रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? तो फिलहाल यहाँ पर तकनीकी खराबी के चलते एक बार संपर्क टूट गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अब केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में क्यूआर कोड वाले बोर्ड लगाए गए, जिसके बाद बीकेटीसी ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। तो बोर्ड लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, इससे पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और साथ ही क्यूआर कोड जो है वो उतरवा दिए गए हैं और उसी क्यूआर कोड के जरिए जो है अब आगे कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि क्यूआर कोड किसने लगाया इस पर भी कार्रवाई हो रही है और साथ ही बीकेटीसी का कहना है कि बोर्ड लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज भी की जाएगी। तो क्यूआर कोड लगाने वालों पर बीकेटीसी ने सख्त एक्शन लिया है और साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि दान के लिए क्यूआर कोड नहीं लगाया जा रहा है। तो वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्यूआर कोड लगाने का यहां पर मामला सामने आया है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में, हालांकि इन पर कार्रवाई भी की जा रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी जागृति, निश्चित तौर पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने क्यूआर कोड को लेकर एक तहरीर भी दी है पुलिस को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ में जो ये क्यूआर कोड लगाकर पैसे लेने का मामला सामने आया है तो उसको लेकर जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, उन्होंने पुलिस में तहरीर दी है। साफ तौर पर सोशल मीडिया पर यह लगातार यह फोटो वायरल हो रही थी कि बद्रीनाथ केदारनाथ में क्यूआर को निजी कंपनी द्वारा क्यूआर कोड लगाया गया है और इसमें दान लेने की प्रक्रिया की जा रही है। इसको लेकर समिति द्वारा केदारनाथ चौकी में तहरीर दी गई है और इसके साथ ही जांच के आदेश भी वहां के जिलाधिकारी ने दे दिए हैं। साफ तौर पर केदारनाथ बद्री के का कहना है कि कोई भी दान क्यूआर कोड के माध्यम से नहीं लिया जा रहा है और उसके खिलाफ अब कार्रवाई की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यटक आ रहे थे, जो तीर्थ यात्री आ रहे थे, वो क्यूआर कोड के माध्यम से दान कर रहे थे, वह उस दान का पैसा किस अकाउंट में जा रहा है इसकी भी जांच की जा रही है। साफ तौर पर बद्री केदार समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। पुलिस में इसको लेकर तहरीर भी दे दी गई है और उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई है कि बद्री केदार समिति में किसी भी प्रकार का जो दान है वह क्यूआर कोड के माध्यम से नहीं लिया जा रहा है। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।